आज जो हमारी स्ट्राइक है इसका मुख्य मुद्दा जो है वो ये है प्राइवेटाइजेशन। हम जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हैं। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसमें बच्चों को एक साल में कम से कम 1 लाख के करीब नौकरियां जो वो दी जाती थी। प्राइवेट सेक्टर होने के बाद 10 से 20 हज़ार बच्चों को नौकरियाँ दी जाएंगी, 80 हज़ार के करीब बच्चा जो है वो बेरोजगार होता जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको प्राइवेट ना किया जाए। आपने यस बैंक देखा होगा, 2019 में यस बैंक जब बंद होने लगा था तो लोगों के डिपॉजिट के ऊपर ये एक कैप लगा दी गई थी कि वो 25,000 से ऊपर जो एक महीने में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वो ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ने उनको संभावना दी कि नहीं आपको पैसा मिलेगा, उसने उसको फंडिंग की तो यस बैंक का पैसा बचा। तो क्या वो यस बैंक प्राइवेट बंद होने जा रहा था? इसीलिए हम गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की जो इनके दिमाग में एक धारणा चली हुई है कि रेलवे को प्राइवेट कर दो, टेलीफोन को प्राइवेट कर दो, BSNL को प्राइवेट कर दो, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेट से कुछ होने वाला नहीं है। ये इनका सियासतीकरण है, ये वोटिंग है, क्योंकि ये गरीब बंदा जो है वो इनको फंड नहीं दे सकता। फंड तो देगा कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े हाउस हैं वो ही इनको चंदा देंगे, तो वो चंदा जो देते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए बोल रहे हैं। एजिटेशन जारी रहेगा, नेशनल लेवल के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा बैंक उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका रेलवे हो, तो इस तरह से अब इन्होंने जो बैंकिंग इंडस्ट्री पे हाथ डाला है उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल ही ना खरीदे और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले जिससे जो आम जनता का जो पैसा है वो डूब जाए। अगर जो स्ट्राइक हमारे ये 2 दिन की स्ट्राइक का अगर उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो डेफिनेटली जो हमारा डिसीजन है नेक्स्ट अंडर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंडर, वो चाहे 4 दिन की स्ट्राइक का हो, चाहे वो इंडेफिनिटी का स्ट्राइक का हो, वो तब डिसीजन लिया जाएगा।